है, लेकिन जैसे दूध से घी बनाने की आठ क्रियाएं आपने बताई, वैसे ही हमारे संत भी भगवान को इस संसार से प्रकट करने की आठ क्रियाएं बताते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आठ प्रक्रियाएं हैं, कण कण में परमात्मा है, पर उस कण कण से परमात्मा को प्रकट करने के लिए आपको योग के वो अष्टांग योग को धारण करके समाधिष्ट होकर के योगी जन उसको अपने भीतर ही प्रकट कर लिया करते। समझ में आ गया परमात्मा कहाँ रहता है? बोले सृष्टि के कण कण में रहता है और अष्टांग योग से योगी जन उसे प्राप्त करते हैं। एक प्रश्न का उत्तर दे दिया, दूसरा प्रश्न कि तुम्हारा परमात्मा वो कैसा है, दिखता कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका रूप रंग कैसा है। उसने कहा जैसा इस दूध का है, जैसा ये दूध का आकार। अब दूध का कोई आकार होता है? कटोरे में डाल दिया तो कटोरे का आकार ले लिया, गिलास में डाल दिया गिलास का आकार ले लिया, बड़े पतीले में डाल दिया बड़ा आकार ले लिया, छोटी सी कटोरी में डाल दो छोटा आकार ले लिया। बोले जैसे इसका कोई आकार नहीं, वैसे मेरे परमात्मा का कोई आकार नहीं, वो भी निराकार परम ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन भक्त जैसे जैसे भाव से उसको बजते हैं, उसी उसी रूप में भगवान इस दुनिया में प्रकट हो जाया करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दो प्रश्न के जवाब देते हैं भगवान, कोई आकार नहीं रखते, निराकार ब्रह्म परमात्मा पूरी सृष्टि ब्रह्मांडों को चला रहे हैं। हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी ये पूरी सृष्टि, ये जो पृथ्वी है वो तो इस ब्रह्मांड में ऐसा समझ लेना कि नदी के किनारे जो बालू पड़ी है उस बालू का एक कण। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी तो बालू के एक कण के समान छोटी है, जबकि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी लगती है। ये ब्रह्मांड तो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाला वो परमात्मा बोले हर कण कण में समाया है, हर जगह रहता है, कोई उसका आकार नहीं है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, कर बिन कर्म करे विदनाना। ये तो ऐसा है कि ये निराकार है, सब सृष्टि को चला रहा है। लेकिन भक्त को यदि इच्छा हुई कि प्रभु मुझे इस रूप में दर्शन दे दो, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। दो प्रश्न का उत्तर, तीसरा प्रश्न वो करता क्या है, उसका कार्य क्या है, जो तुम इतने गुणगान गाते हो वो करता क्या है। इस बालक ने कहा हे महाराज, आप बुरा मत मानना, हमारे यहाँ एक और परंपरा है कि जिससे हम भगवान की चर्चा सुनते हैं उसको हम ऊंचे आसन पे बिठाते हैं, और जो श्रवण कर रहा है श्रोता नीचे बैठता है, और जिससे हम कथा कहलवा रहे हैं या भगवान की चर्चा सुन रहे हैं उस वक्ता को ऊपर आसन देते हैं, चाहे उम्र छोटी हो या बड़ी हो। ऐसा हमारे यहाँ परंपरा है। तब तो बादशाह को लगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। अब ऊंचे आसन पर बैठा बादशाह, नीचे उतर के आया, नीचे खड़ा हो गया और कहा बालक एक काम करो, तुम मेरे ऊंचे आसन पर बैठ जाओ। वहां जाकर इस बालक को बिठा दिया, बालक ऊंचे आसन पर बैठ गया। नीचे हाथ जोड़ करके ये बादशाह खड़ा हो गया और पूछने लगा तुम्हारा परमात्मा करता क्या है। इस बालक ने कहा कि यही तो करता है मेरा परमात्मा, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। बोले और क्या करता है? वो यही उल्टा पलटी करता है, कब रंक को राजा बना दे और कब राजा को फकीर बना दे, ये उसी के हाथ में है। अभी तक आप बादशाह बने थे, अभी हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हैं। अभी तक मैं नीचे खड़ा था, आप ऊंचे आसन पर थे, अब मैं ऊंचे आसन पर बिठा दिया। यदि मैं आपसे निवेदन करता तो आप मुझे फांसी लगवा देते, लेकिन ये करने वाला मैं नहीं, ये करने वाला परमात्मा है, कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तीन प्रश्नों का उत्तर ऐसे बालक ने दे दिया। तो ऐसे परमात्मा के प्रति संशय करना, शंका करना, ऐसे परमात्मा के प्रति भ्रांति रखना, उसको हमारी छोटी बुद्धि नहीं समझ पाएगी। बुद्धि का तो एक दायरा है, क्योंकि बुद्धि किससे बनी है? प्रकृति से।
मन किससे बना है? प्रकृति से। इंद्रियां किससे बनी है? प्रकृति से। शरीर किससे बना है? प्रकृति से। पांच तत्व से बनने वाला ये शरीर, ये भगवान तक पहुंच कैसे सकता है? इसलिए बुद्धि से कभी मत आंकना भगवान को, और बुद्धि से कभी उसको ढूंढने की कोशिश भी न करना। अगर कभी ढूंढना है तो हृदय से ढूंढना उसको। जब हृदय आपका विशाल होगा तब आत्मा को परमात्मा मिल पाएगा। न बुद्धि की पकड़, न इंद्रियों की पकड़, न मन की पकड़, न शरीर की पकड़। यदि परमात्मा तक किसी की पकड़ है तो वो आत्मा की ही है, और उसी आत्मा को आपको देखना है। जिस दिन आपने इस आत्मा को देख लिया, उस दिन आपको परमात्मा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप दिखाई दे जाएगा। इसलिए खोजना भगवान को नहीं है, खोजना है अपने आप। खोज करनी है अपने आप की। और आज भगवान शिव जैसे वक्ता हों जिन्होंने स्वयं को खोज लिया है, भला वो भगवान से कैसे नहीं मिलाएंगे। अब मानो पार्वती जी को राम जी के चरणों में लाकर बिठा दिया, राम जी की कथा कही। बहुत सुंदर कथाओं का वर्णन यहाँ पर आया है। राम जी के जन्म के लिए बहुत विस्तार से कथाएं यहाँ हैं। नारद जी का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है कि भगवान के अनेकों अवतार लेने के कारण होते हैं। राक्षसों को मारना, भक्तों को दर्शन देना, इस पृथ्वी को अधर्म के बोझ से मुक्त करना, सन्यासियों के तप को सफल करना, और भक्तों की भावना अनुसार भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान का एक कारण जन्म लेने का नारद जी का श्राप भी था। नारद जी ने जो श्राप दे दिया था भगवान विष्णु को, भगवान से मांगा था रूप सुंदर, भगवान ने बानर का रूप बनाकर दे दिया था। विश्व मोहिनी के चक्कर में जो पड़ गए। विश्व मोहिनी कौन है? परमात्मा की माया। भक्त तो है आप, लेकिन इस विश्व मोहिनी माया से सावधान होकर के भगवान तक पहुंचना पड़ेगा। नहीं तो अच्छे अच्छे साधु संत इसमें फंस गए। वो तो देव ऋषि नारद है, यहाँ तो सामान्य लोगों की बात ही छोड़ दी थी। कामदेव का प्रभाव हुआ, कामदेव को जीत लिया नारद जी ने। और जब कामदेव को हरा दिया, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, तो नारद जी के मन में भी थोड़ा सा अभिमान आ गया। अरे अभिमान बहुत बुरा है, और कब आ जाता है पता भी नहीं चलता, कहां से घुस जाता है ये भी नहीं पता चलता। नारद जी ने कहा कि मैंने तो जीत लिया है कामदेव को। शिव जी को जाकर कहा, मैं कामदेव का विजेता बन गया हूं, कामदेव को हरा दिया। ब्रह्मा जी से कहा, सबसे कहा। शिव जी ने कहा, मुझसे तो कह दिया है भगवान विष्णु से चर्चा भी मत करना इसकी। तो बुरा लगा, ये तो मेरी ख्याति देखकर जलते हैं। अगर कोई आप किसे अच्छी बात कहे तो आपको बुरी लगेगी, अच्छी थोड़ी लगती है। अरे ये तो मेरे शत्रु हैं। तो ऋषि देव ऋषि नारद पहुंचे विष्णु भगवान के पास और कहने लगे कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की, मैंने कठोर तप कर लिया। भगवान ने कहा, नारद जी बीज अंकुरित हो गया अभिमान का। अपनी माया विश्व मोहिनी बना करके, अपनी माया से महल बना करके, और अब नारद जी को उस माया से मुक्त कराने के लिए, फंसाने के लिए नहीं, उस माया से मुक्ति दिलाने के लिए और अहंकार को दूर करने के लिए, क्योंकि संत का काम संतत्व का है, मोहित होने का नहीं। ये काम गृहस्थियों का है तो गृहस्थियों को गृहस्थ में रहने दो, तुम तो सन्यासी हो सन्यास में रहो, तुम काहे को इस पचड़े में पड़ रहे, तुम्हारी पदवी अलग और ये गृहस्थ की पदवी अलग। लेकिन नारद जी को हुआ, मैंने तो बेकार में सन्यास लिया, मैं तो बेकार का संत, मुझे तो विश्व मोहिनी को पाना है। देख लिया विश्व मोहिनी को, मोहित हो गए, इसके सिवा कुछ सूझता नहीं। भगवान से शरण ली, अपना रूप दे दीजिए। हरि का रूप अलग ही होते हैं, हरि का रूप कोई ऐसा थोड़ी है कि सुंदरी, वो तो कभी ना कभी नरसिंह बने तो कैसे बन गए, सब कांप उठे, उनके तो अलग रूप। भगवान ने वानर का रूप दे दिया नारद जी को, वानर का रूप धारण करके सभा में बैठे। विश्व मोहिनी मेरे ही गले में वरमाला डालेगी, और उछल रहे हैं, उचक उचक के देख रहे हैं कि अब तो माला आने ही वाली है। और भगवान के
दो गण भगवान शिव के दो गण इधर उधर आकर बैठ गए और कहते हैं, अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपके समान तो कोई है ही नहीं, विश्व मोहिनी बिल्कुल आपके गले में वरमाला डालेगी। अब ये सोचते हैं सारे राजाओं में मैं श्रेष्ठ, तो उचक उचक के देख रहे हैं विश्व मोहिनी को। विश्व मोहिनी ने देखा ही नहीं नारद जी की तरफ, निकल गई और जाकर के उसमें जो भगवान भी विराजमान है, भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी और भगवान उस सुंदरी को लेकर चले गए। अब तो बहुत पश्चाताप हुआ, अब तो बहुत क्रोध भी आया और गणों ने कहा कि नारद जी अपना मुंह तो देखो एक बार, आप दुखी क्यों हो रहे हो, ऐसे रूप पर भला विश्व मोहिनी कैसे मोहित हो। देखा तो बानर का रूप, आग बबूला हो गई, नारद जी मेरे साथ छलावा किया इस विष्णु ने, छल कर दिया, उन गणों को भी श्राप दे दिया, तुम राक्षस हो जाओ। और भगवान विष्णु के पास दौड़े दौड़े गए, प्रभु आप तो हो ही ठगिया, मुझे भी ठग लिया, अगर आपको रूप नहीं देना था तो कम से कम मेरा रूप रहने देते, बंदर का रूप दे दिया। बोले वो भी तो मेरा ही रूप है, श्राप दे दिया कि जाओ आप भी, जैसे मैं वियोग में तड़पा आप भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे। एक कारण ये भी भगवान का बना है। जय विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं, उनको भी श्राप लगा है और वो भी राक्षस योनि में आए हैं। तीन जन्म का राक्षसों का श्राप लगा है, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष बने, फिर अगले जन्म में कुंभकर्ण रावण इत्यादि बने, ये श्राप चला आ रहा है और उनसे युद्ध करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए और उनका कल्याण करने के लिए भी भगवान का एक अवतार होता है। अनेकों नाना भांति राम अवतार, अनेकों अवतार में भगवान प्रसन्न होते हैं, अवतरित होते हैं, अपना रूप इस धरती पर प्रकट करते हैं, जिस रूप में भक्त चाहे उसमें उसको आनंद देते हैं। आओ जो भी लीलाएं कुछ शेष बचेंगी उनको कल की कथा में हम विस्तार रूप से कहेंगे, क्योंकि भगवान के जन्म से पूर्व की भी कथाएं बहुत सुंदर है, पर यहाँ एक सीमा है समय की। हमारे क्षेत्र के भाइयों ने कहा कि बिल्कुल 3 बजे कथा का विश्राम होना चाहिए जी, तो भाई समय का तो हमें भी ध्यान रखना है, समय के आप पाबंद हैं, आपसे ज्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको मैं सबको सीधा राम जी के जन्म उत्सव पर लेके चलती हूँ, राम जी का जन्म और जो भी यज्ञादि शुभ कर्मों की चर्चा जो भी कथा रहेगी उसको कल विस्तार से लेते हुए चलेंगे। अयोध्यापुरी बहुत सुंदर अयोध्या नगरी में भगवान राम स्वयं अवतरित होंगे, राजा दशरथ और कौशल्या जो मनु जी के, मनु और शत्रुपा के रूप को धारण करते हुए कौशल्या और दशरथ बने हैं। 3-3 रानियां दशरथ जी की हैं, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा। अयोध्यापुरी में साव मंगल है, लेकिन वह संतान नहीं है, दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ के चरणों में शीश नवाकर श्रृंगी मुनि के द्वारा महायज्ञ पुत्रिष्टि यज्ञ को कराते हुए आज भगवान का दर्शन कर पाए हैं। तीनों रानियां गर्भवती हुई और ऐसे सुपवित्र अवसर पर आइए हम सब भगवान के जन्म पर थोड़ा सा तो आनंद लेते हुए चलें। अभी सब थोड़ी देर बैठे रहें, विशेष चर्चाएं हम कल की कथा में सुनेंगे, क्योंकि उतना ही डोज मिले जितना आप सहन कर पाओ, ओवर डोज होना भी अच्छी बात, जब तक आपका मन कथा में लगे तभी तक कथा सुनाने में आनंद है, और जब आपको लगे कि बस पूरा हो गया तो हमें पता चल जाता है कि बस करिए अब आगे नहीं, अब पिलाना ठीक नहीं है, ज्यादा नशा करना भी अच्छा, ये राम नाम का भी नशा है, उतना ही नशा अभी करवाएंगे धीरे धीरे, अभी 9वें दिन तक आपको पूरा नशेड़ी बना देंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। ऐसे पीने से क्या फायदा जो शाम को पिएगा सुबह को उतर जाएगी, पीना है तो राम नाम का प्याला पीकर देख ले, जिंदगी तेरी सारी नशे में गुजर जाएगी, पूरी जिंदगी इस आनंद में जियो, उस परमानंद में जियो। और आओ ऐसा परम उत्सव आया, नौमी तिथि मधुवास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा, बहुत सुंदर सुहावना सा अवसर है, भगवान का उत्सव जन्म उत्सव है, भगवान का आगमन है, इसके लिए सारी प्रकृति प्रभु के आगमन के लिए पुष्प खिला रही है, मोर नाच रहे हैं, चिड़िया गा रही हैं, सब तरफ भगवान के आने का आज इंतजार है, प्रतीक्षा है। आइए प्रभु, आइए इस धरती को सुशोभित कीजिए प्रभु, इस अयोध्या नगरी को धन्य बनाइए, राजा दशरथ
भारत के आंगन में अवतार लीजिए, माँ कौशल्या की कोख को धन्य बनाइए। और अब भगवान राम के आगमन का समय हुआ, प्रतीक्षा हो रही है दशरथ जी की। अब दशरथ जी इंतजार कर रहे हैं, बेचैनी है, उतावलापन है मन में, कब आएंगे मेरे घर। एक दासी दौड़ कर आई, राजा दशरथ की जय हो जय हो, आपकी महारानी कौशल्या ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। बड़े प्रसन्न हो गए राजा दशरथ, और इतनी देर में दूसरी दासी आ गई। राजा दशरथ को बधाई हो बधाई हो, आपकी रानी कैकेयी ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। बोलिए भरत लाल की। अब तो तीसरी दासी भी दौड़ती हुई आई, महाराज दशरथ को बहुत बहुत बधाई हो, आपकी रानी सुमित्रा ने दो दो संतानों को जन्म दिया है। बोलिए लखन लाल की, शत्रुघ्न लाल की, रामचंद्र भगवान की। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या के ही नहीं वो सबके हितकारी राम जी हैं। और ऐसे राम जी के जन्मोत्सव पर आइए हम भी सब बधाइयां गाते हुए और आनंद उत्सव में राम जी के मंगल गीत गाएं, राम जी के जय जयकार करें। अब पृथ्वी पर आनंद छाने वाला है, अब राक्षसों को कांपने की जरूरत है, और अब संतों को सुरक्षित होने की जरूरत है। अब से समय बदलने वाला है, अब धर्म ही बोलेगा, अब अधर्म शांत हो जाएगा। ऐसे इस सुंदर अवसर पर बोले रामचंद्र भगवान। अवध में छाई खुशी की बेला, हो अवध में छाई खुशी की बेला, लगा है अवधपुरी में मेला, लगा है I'm not afraid.
तरफ से लोग आ रहे हैं, बधाई बता रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। बधाई हो कौशल्या को, बधाई हो दशरथ जी को, बधाई हो कैकेयी सुमित्रा को, बधाई हो पूरी अयोध्या नगरी को, बधाई हो उन भक्तों को जिनका चित्त राम जी में लगा रहता है, बधाई हो उन भक्तों को, उन तपस्वियों को जिन्होंने राम को प्रकट कर लिया है। राम को प्रकट करना कोई आसान नहीं है। यहां से आगे राम जी की कथाएं होंगी, यहां से आगे रामत्व को धारण करने की प्रेरणा मिलेगी, राम क्या है ये समझने की गति मिलेगी, राम को कैसे पाना है ये हमारे चित्त में धारण करना है। श्री राम, जय राम, जय जय राम। मैंने कल आपसे कहा था कि यहां से जब जाओगे घर तक तो राम जी का नाम लेते जाना है, श्री हरि का नाम लेते जाना है, और आते समय भी भगवान का नाम लेते हुए आना है। तो कितने लोगों ने नाम लिया, ऐसा कितने लोगों ने किया, सत्य सत्य बता। एक भी बार जिसने राम जी के नाम को नहीं विसारा घर तक पहुंचते तक और यहाँ से आते हुए यहाँ तक पहुंचने में एक भी बार नहीं विसारा, वो लोग हाथ खड़ा कर, अरे करो करो, देखो ठीक है, चलो जिन्होंने एक आध बार भूल भी गए हों, लेकिन जिन्होंने थोड़ी बहुत देर भी लिया वो हाथ कट, जाते जाते थोड़ी बहुत देर तक ध्यान रखकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि कथा भी आपको थोड़ी देर ही याद रहती होगी। एक सबसे सरल नाम है भगवान का राम, वो इतना सा नाम जब आप घर तक याद नहीं रख पाए तो कथा तो बहुत बड़ी है। और इसीलिए 40 साल से आप करवाते आ रहे कि भाई अब भूल गए चलो अगले साल करते, फिर एक साल हुई तब तक फिर थोड़ा सा भूल गए बोले चलो फिर रखते हैं, भैया याद करो, बार बार याद करो, बार बार गाते हुए चरित्र कभी तो याद होगा, कभी तक तो घट में बैठेगी बात। मुझे पूर्ण विश्वास है कभी तो आपके घट में बात रहेगी, इसीलिए मैं रोज कोशिश करूंगी कि आपसे पूछूं कितने लोगों ने, फिर कल आकर पूछूंगी, इसलिए आज तो राम जी का नाम लेते ही जाना घर तक, और फिर कल लेकर के यहां तक पहुंचना। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, we'll be right back.
की, भोले नाथ की, सब संत भक्तों की, आज के आनंद की जय जय श्री राम। अब ये राम कथा है ना, इसमें कहेंगे जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ राम का नाद गूंजना चाहिए। राधे रानी को फिर वृंदावन में बरसाने से बुलाएंगे, फिर अगली बार राधा रानी को बुलाएंगे। अभी भोलेनाथ को, राम जी को, पार्वती जी को, जानकी जी को बुलाया, ठीक है? चले अपने मन से, अगर जुबान किसी की थक जाए तो मन से राम जी का नाम लेते जाना और लेते आना। इसलिए मैंने कहा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, इस प्यारे प्रभु की भक्ति में इन 9 दिनों में हमें डूबना है, यही इस कथा का सार है। आइए अब हम सब विश्राम की ओर बढ़ेंगे और आपकी आगे की जो भी व्यवस्थाएं उनके अनुसार चलते हुए आरती करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। मातृशक्ति सेवा संस्थान की संस्थापिका परम पूज्य परम श्रद्धेय विदुषी हेमलता जी शास्त्री जी, जिनके मुखारविंद से श्री राम कथा का रसास्वादन हम लोग कर रहे हैं। आज नव दिवसीय राम कथा के तृतीय दिवस के विश्राम की ओर चलते हुए हम लोग परम पूज्य गुरुमा जी के प्रकल्पों को श्रवण करते हुए चलेंगे। परम पूज्य गुरुमा जी, जो कि आप एक मातृशक्ति सेवा संस्थान की संस्थापिका हैं, जिसके माध्यम से गरीब कन्याओं की शिक्षा, गौ गौरी गोपाल तीनों के संवर्धन के लिए, गौ गौ माता की रक्षा संवर्धन, उनकी किस प्रकार से रक्षा हो, गोपाल हमारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चे किस तरह से शिक्षितवान हो, शिक्षावान हो, हमारी संस्कृति को जाने, हमारी वैदिक संस्कृति को जाने, आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक ज्ञान को भी प्राप्त कर सकें, ऐसे उद्देश्यों को परम पूज्य गुरुमा जी लेके चल रही हैं। और हमारे देश की बच्चियां, जो कि जिनके माँ बाप बच्चियों को नहीं पढ़ा पाते हैं, उनके लिए विशेष कार्य परम पूज्य गुरुमा जी कर रही हैं। और आप एक ऐसे भव्य आश्रम का निर्माण करने जा रही हैं, जिसके अंदर एक अखंड यज्ञ, जिसकी यज्ञाग्नि कभी भी शांत ना हो, ब्रज की वसुंधरा पर, मथुरा वृंदावन की भूमि पर, जहाँ पर ठाकुर जी श्री कृष्ण बाल रूप में कीड़ा किए हुए हैं, ऐसी पावन स्थली पर आप एक ऐसे सुंदर आश्रम का निर्माण करने जा रही हैं, जिसमें एक भव्य यज्ञशाला, जिसके माध्यम से हमारे यज्ञ के माध्यम से ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा भारतवर्ष में, पूरे विश्व में फैले और सभी निरोगी हों, जिसके माध्यम से सुख और समृद्धि पूरे भारत विश्व संसार में हमेशा फैले, ऐसी उद्देश्य को लेकर के परम पूज्य गुरुमा जी चल रही हैं। उस पुनीत कार्य मंदिर निर्माण आश्रम के निर्माण हेतु सभी भक्तगण अपना अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें और परम पूज्य गुरुमा जी के प्रकल्पों को जानने के लिए हमारे जो पीछे काउंटर लगा हुआ है वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। गुरुमा जी द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें गीता पुष्प, विचार वाटिका, मातृशक्ति, तीन ग्रंथ आप हमारे काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। जिन किन्हीं भाई बंधु माता शक्ति को यदि परम पूज्य गुरुमा जी की पेन ड्राइव